इधर मुंबई से सटे ठाणे जिले को डोंबिवली इलाके में एक कंपनी में बॉयलर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि इसमें 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 159 लोग घायल हो गए। हम आपको धमाके की तस्वीरों को 5 कैमरों की नजर से दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ और लोग हताहत हुए। धमाका, धूल धुआं और अफरा तफरी। ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली की है। दुर्घटना गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे हुई। केमिकल फैक्ट्री में एक जोरदार धमाका हुआ। लोग कुछ समझ पाते तब तक भाग दौड़ चीख पुकार मच गई। अब हम आपको डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अब तक आपने नहीं देखी हैं। जी न्यूज के पास डोंबिवली केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हम आपको अलग अलग 5 कैमरों से ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। आसपास लोग बेफिक्री के आलम में चहलकदमी कर रहे हैं। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में है। कोई पैदल, कोई दोपहिया वाहन में, तो कोई बस में सवार है। तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट। आते जाते लोगों की प्रतिक्रिया पर गौर कीजिए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक हुआ क्या है। कुछ सड़क पर खड़े होकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज कैसे, ब्लास्ट कहां हुआ। तो कुछ लोगों ने सोचा कि जान है तो जहान है और भाग लेने में ही अपनी भलाई समझी। भागने के दौरान रास्ते में जो भी आया डरे हुए लोगों की टक्कर से धराशायी हो गया। तस्वीर में सड़क किनारे एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। आसपास से लोग गुजर रहे हैं और तभी केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में ब्लास्ट हो जाता है। किसी बम ब्लास्ट की आशंका में लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हर कोई अपनी जान बचाकर ब्लास्ट की साइट से दूर भाग जाना चाहता है। तस्वीर में एक व्यक्ति अपनी दुकान में बैठा काम कर रहा है, पूरी तरह निश्चिंत, और तभी धमाका हो जाता है। तस्वीरों में देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही शख्स की जान बची हो। काउंटर पर बैठे शख्स को अब आप कैमरा नंबर 4 पर देख रहे हैं। ब्लास्ट होने के बाद डर की वजह से तो उसे बाहर निकलने का रास्ता भी भूल गया। ब्लास्ट के बाद हड़बड़ाहट में वो उल्टी तरफ भागा। बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला, यू टर्न लिया और बाहर की तरफ भागा। तब जाकर जान में जान आई। धमाका इतना जोरदार था कि पल भर में तो ऐसा लगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। तस्वीर पर गौर कीजिए, लकड़ी का दरवाजा हवा में तिनके की तरह नजर आया। गनीमत ये थी कि कमरे में कोई नहीं था। ये तस्वीरें आप सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। दरअसल ये ब्लास्ट एक केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 159 लोग घायल हो गए जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अजित मंधेरे, जी मीडिया, डोंबिवली, मुंबई।